हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, लास्ट दो दिन में कैसा कितना बड़ा फॉल किया था, लेकिन आज कहा ये जो लेवल से मार्केट क्यों ऊपर गया उसका रीजन आपको बताता हूँ। मैंने यही जोन दिया था, इसी जोन के आसपास मार्केट आया, उसके ऊपर सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर गया। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट हालांकि ये जोन पे सपोर्ट लेने का रीजन और भी एक था, जो कि आप मैं डे टाइम फ्रेम में जाएगा ना तो आपको दिखाता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन बार जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट लिया। वन डे टाइम फ्रेम में यदि यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट ले लिया है, तो ये जो लाइन है आपको ये पता है 200 EMA का ये मूविंग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। तो आप सिंपल मूविंग एवरेज भी इसी के आसपास ही रहेगा, तो ये जो लाइन के ऊपर में मार्केट अभी सपोर्ट ले लिया, तो इसको अगर तोड़ता मार्केट तो अगर कल का प्रभाव कल कैसे अगर मार्केट ओपन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट अभी देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो मेरे ख्याल से मार्केट अभी अगर सस्टेन करता है कल तो मार्केट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर है। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम लोग 5 मिनट में। ठीक है, मार्केट अभी कहाँ पे देखिए, मार्केट ओपन हुआ अराउंड 915 इसी के आसपास ओपन हुआ है। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ था अराउंड 258 गैप डाउन ओपन हुआ था, मार्केट बड़ा फॉल फिर से किया अराउंड 500 टोटल 500 के जाने के बाद ये जो जोन दिया था मैंने उसी जोन से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से 400-500 पॉइंट ऊपर गया। ठीक है, ऊपर में एक लाइन था, ये जो रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस से 40,722 में इसमें मार्केट रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट धीरे धीरे आके ये जो और एक लेवल दिया था इसमें मार्केट थोड़ा सा रुका, फिर नीचे तक इसी जोन पर आ गया। उसी जोन में मार्केट क्या किया फिर से यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर गया। तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, मैंने जो लेवल प्रोवाइड करता हूँ इस लेवल का इम्पोर्टेंस कितना है, क्यों उसी जोन पे बार बार मार्केट उसी जोन तक जाता है, उसी जोन को रेस्पेक्ट क्यों करता है, उसका कुछ तो रीजन होगा। दोस्तों कल मार्केट जैसे कि बोला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 200 वन डे टाइम फ्रेम में 200 में ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, तो मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा। ये जो लेवल है मार्केट अभी काफ़ी वोलेटाइल है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही काफ़ी वोलेटाइल है, कभी भी 500 पर नीचे का 500 पर ऊपर नीचे हो रहा है तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट कल शायद बुलिश थोड़ा सा गैप अप खोलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अगर गैप अप खोलता है तो मार्केट ऊपर जाने का तो यहाँ तक जाने का चांसेस है, अगर गैप डाउन खोलता है फिर से इसी जोन पर सपोर्ट लेने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, अगर सपोर्ट लेता है तो मार्केट फिर से ऊपर की ओर मूवमेंट करने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, आप ये जो जोन ये जो लेवल देख सकते हैं इसी लेवल पे आएगा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा फिर मार्केट अगर फिर बायर्स एक्टिवेट हुए तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा। इसी ये इतना इम्पोर्टेंट जोन नहीं, फिर भी यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करने का करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में भी सेम देखिए, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ इसमें, तो इस जोन को हालांकि तोड़ दिया था फिर भी मार्केट एक ही कैंडल में आपको कितना पॉइंट 70,459 से लेकर के 622 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स निफ्टी में एक ही कैंडल में 200 पॉइंट्स मतलब आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से कैंडल रेड कैंडल फॉर्म हुआ, बियरिश कैंडल, मार्केट भी नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा सा लिया, जो ये जो ग्रीन कलर का एक लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर फिर नीचे आया। ये जो जोन है उसी जोन को रेस्पेक्ट किया काफ़ी टाइम, यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी टाइम ऊपर नीचे हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से बियरिश मूवमेंट देख करके यहाँ तक आया। ये जो जोन था ये जो लेवल था काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, ये जो लेवल है डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 200 EMA के आसपास ये मूविंग एवरेज सपोर्ट था, इसमें सपोर्ट लिया मार्केट फिर ऊपर तक गया। तो कल भी मेरा ख्याल से कल ये गैप अप हो सकता है, आज अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो बुलिश थोड़ा सा है,
बुलिश लास्ट मूवमेंट दिखाया बुलिश, फिर से अगर गैप अप खुलता तो ये भी रेजिस्टेंस लेने का चांसेस है, फिर रीजनल लेके नीचे आएगा फिर ऊपर जाने का चांसेस है। अगर गैप डाउन खुलता है तो ये जो जो जोन है ना, ये जो एक लेवल है, ये एक लेवल है, उसके आसपास आएगा मार्केट, सपोर्ट लेने का प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाने जा सकता है। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए तो वीडियो बनाने में मेरे को टाइम हो जाता है, लेट हो जाता है, रात हो जाता है।